हालांकि इतिहासकारों का मानना है कि बेड़िया जाति के लोग ताजमहल के बनने से पहले भी जिस्म फरोशी से जुड़े हुए थे, लेकिन कम से कम इतना तो मानना ही होगा कि इस इलाके में उनके आने और पेशेवर हो जाने की वजह ताजमहल का बनना ही था। 400 मुश्किल साल गुजारने के बाद आज कहां पहुंचे हैं बेड़िया जाति के लोग, आइए देखते हैं। हम भी अच्छे रहे, हमेशा यही सिखाता हमको फूल। छोटी सी ये बच्ची उसी बेड़िया समाज का भविष्य है जिसे ताजमहल के श्राप ने तिल तिल मरने पर मजबूर किया। इस समाज के लोगों से जीने का हक छीन लिया गया। ताजमहल इनके लिए एक ऐसा सफेद पोश बन गया जिसने इनकी जिंदगी को नर्क से भी बदतर बना दिया, और ऐसी दर्दनाक जिंदगी जीने के लिए किसी भी समाज के लिए 400 साल का वक्त बहुत लंबा होता है। अगर कुछ लोगों को छोड़ दें तो आज बेड़िया लोगों में बदलाव की बयार बहने लगी है। आज धीरे धीरे करके जो नई जनरेशन आई है गंधर्व समाज में, उन्होंने अपने पेशे को बदला है और अब वो नहीं चाहते हैं कि हम इस गली धंधे में पड़ेंगे। हम अपनी मेहनत कर रहे हैं, मजदूरी जो भी कर रहे हैं, करीब हमें 15 साल हो गए मेरे को काम करते करते, और काफी यहाँ डेवलप कर चुके हैं लोग वर्ग अपने जो भी हमारी बिरादरी के हैं, और मजदूरी कर रहे हैं। आगे जो भी आगे बढ़ोतरी करने की कोशिश होगी सभी लोग मिलजुल के अपने करेंगे, और जो भी था अपने पिछला वो सब बंद हो चुका है। बेरहम वक्त के बेहिसाब कोड़े खा चुके बेड़िया समाज को कायदे से बिखर जाना चाहिए था, हिम्मत को जवाब दे देना चाहिए था, मगर ऐसा हुआ नहीं। ये सच है कि ताजमहल के श्राप से लड़ने की हिम्मत जुटाने में बेड़िया समाज को 400 सालों का वक्त लग गया। वो जिस्म फरोशी को ही अपनी परंपरा मान बैठे थे, उन्हें लगने लगा था कि वो अब कुछ और कर ही नहीं सकते। वो मान चुके थे कि ऊपर वाला उनके लिए बेरहम रहा है और जिंदगी उन्हें इसी तरह जीनी होगी, लेकिन बीते चंद सालों में बेड़िया लोगों ने अपने आप ही खुद को संभालने की कवायद शुरू कर दी है। आज आप यहाँ बसेंगे घर देखते हैं, ऐसे घर 40 साल पहले नहीं थे। धीरे धीरे इनकी जब आर्थिक स्थिति सुधरने लगी तो इनके अंदर शिक्षा का भी प्रसार होने लगा, तो एक बहुत बड़ा तबका इनका शिक्षित हो गया है जो कि जिस व्यापार को ये लोग करते हैं उससे संबंधित नहीं रहा है। बड़ा सवाल ये भी है कि जो बीते 400 साल में नहीं हो सका आखिर वो अब कैसे हो रहा है? आखिर अब क्यों बेड़िया लोगों ने खुद को मुख्य धारा में लाने की कवायद शुरू की? वजह है पढ़ाई। अब से पहले बेड़िया लोगों के लिए न तो पढ़ाई जरूरी हुआ करती थी और न पढ़ाई के रास्ते ही उनके लिए खुले हुआ करते थे। शिक्षा के आने से अब लोगों की सोच बदलने लगी है और जाहिर है इसके लिए युवाओं ने भी काफी काम किया है। धीरे धीरे बदनाम कही जाने वाली ये गलियां अब बदल रही हैं, और इसकी वजह न तो सरकार है और न वो समाज जो हमेशा से ही बेड़िया लोगों को खुद से कमतर आंकता आया। दरअसल इस कवायद को शुरू खुद बेड़िया जाति के लोगों ने ही किया है। अब बेड़िया जाति के लोग अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं और इस उम्मीद में कि उनकी अगली पीढ़ी ताजमहल के श्राप से पूरी तरह मुक्त होगी। नन्ही आंखों में सपने पलने लगे हैं। इससे पहले यही बस्ती उस दौर से भी गुजरी जब कोई बेड़िया समाज का शख्स अपने बच्चों को स्कूल भेजता तो बाकी के बेड़िया लोग उसके विरोध पर उतर आते, लेकिन अब बसई की सूनी रहने वाली गलियों में बच्चों की खिलखिलाहट आसानी से सुनी जा सकती है। ताजमहल के पहलू में बसे बसई जैसे दूसरे बदनाम इलाके भी अब बदलाव को तैयार हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि ताजमहल का श्राप खत्म हो गया। हाँ, ये कहा जा सकता है कि वो अब अपने शिकार बदल रहा है। आगरा में आज भी जिस्म फरोशी के अड्डे तेजी से बढ़ रहे हैं, लेकिन अब वहाँ जिस्म बेचने वाली लड़कियाँ बेड़िया जाति की नहीं रही। इस पेशे में तो आज ये देखने में आता है जो पढ़ी लिखी और अच्छे समाज की भी लड़कियाँ हैं वो भी पता नहीं क्यों इस पेशे को अपना करके, और अपना या तो कहिए शौक पूरा करने के लिए। कुछ पढ़े लिखे बेड़िया लोगों ने जब अपने समाज में इस बदलाव का सपना देखा था तो उन्हें विरोध का सामना भी करना पड़ा था।
विरोध भी दूसरों का नहीं उन्हीं का, जिनके लिए ये पूरी कवायद की जा रही थी। देर से ही सही, लेकिन ज्यादातर को बदलाव की बात समझ में आई। कुछ आज भी ऐसे हैं जो बदलने को तैयार नहीं। ये वो हैं जिन्हें ताजमहल के श्राप ने कुछ इस कदर जकड़ रखा है कि वो अपने खानदानी पेशे को बदलने को तैयार ही नहीं। एक तबका जो है आज भी उसी परंपरानी परंपराओं में है, जैसे लड़कियों का विवाह करना, बेचना, ये भी करता है। मगर आप कहेंगे मेरे अपने अनुमान से शायद 10% शिक्षा का प्रसार हुआ है इनके अंदर, जहां ऊंचे उठने की इच्छा है। उम्मीद जगने लगी है, शुरुआत हो चुकी है। पढ़े लिखे बेड़िया लोग अब काम कर रहे हैं, जो नहीं पढ़ सके वो छोटे मोटे काम कर रहे हैं, लेकिन पुराने काम और बदनामी से पीछा छुड़ाने की हर मुमकिन कोशिश जारी है। लेकिन उन लड़कियों का क्या होगा जो बीते कई सालों से जिस्म फरोशी करती रही हैं? इसका जवाब बदलाव की बयार लाने वालों के पास भी नहीं। ऐसी ज्यादातर लड़कियां शहर छोड़कर दूसरे शहरों का रुख कर चुकी हैं। वहां भी वो नाम बदलकर पुराने पेशे को ही अंजाम दे रही हैं, और इस समस्या का कोई हल नहीं। यानी शक्ल बदलकर ही सही, लेकिन ताजमहल का श्राप अपने असर को बरकरार रखे हुए है, और इससे बचने का सिर्फ एक तरीका ही अब तक इजाद हो पाया है, शिक्षा। इस समय आगरा से कैमरामैन तारा दत्तपंत के साथ रवि शर्मा।